शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के लिए। 21 नवंबर 2022 की ये नोटिस है और यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन में देख सकते हैं, बताया गया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु पदोन्नति प्राप्त प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक प्रवक्ता सभी के समकक्ष पुरुष महिला के ऑनलाइन पदस्थापन के संबंध में। अब यहाँ पर देखो सारी चीजें दी गई हैं और यहाँ पर देखिए बताया गया उपर्युक्त विषयक शिविर कार्यालय के पत्रांक ये है दिनांक 19 सितंबर 2022 के क्रम में शासनादेश संख्या 1027 दिनांक 28 अक्टूबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु पदोन्नति प्राप्त प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक प्रवक्ता एवं सभी के समकक्ष पुरुष महिला के ऑनलाइन पदस्थापन NIC द्वारा विकसित मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पदोन्नति प्राप्त प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक प्रवक्ता सभी के समकक्ष जो भी पद होंगे उनके ऑनलाइन पदस्थापन कराए जाने हेतु तो निम्नलिखित मानक या गुणांक निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पर किसको किसको वरीयता मिलेगी उसके बारे में बताया गया, तो नंबर एक पर दिया गया है स्वयं कैंसर HIV/AIDS किडनी लीवर गंभीर रोग ग्रस्त प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक उप प्रधानाचार्य एवं समकक्ष तथा प्रवक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठित चिकित्सालय जैसे कि AIIMS PGI राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तो इनको जो वहां पर वरीयता मिलेगी। स्वयं दिव्यांग की श्रेणी में अगर आते हैं तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वरीयता मिलेगी, लेकिन बताया गया है यहाँ पर कि 80% से अधिक 60% से 80% तक एवं 40% 60% तक अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा तो अलग अलग वहां पर वेटेज मिलेगा। यदि पत्नी या पति जो भी जिसके ऊपर लागू होता है शासकीय सेवा में है तो उनको एक ही जनपद पर या एक ही नगर पर या एक ही स्थान पर करने के लिए भी इनको वरीयता मिलेगी, चाहे वो लोग अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालय में कार्यरत हों या महाविद्यालय में कार्यरत हों या बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन कहीं पर भी कार्यरत हों तो उनको भी उसी तरीके से गुणांक का लाभ दिया जाएगा और उनको वरीयता दिया जाएगा, लेकिन सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जो प्रमाण पत्र वो उनको अपलोड करना होगा। फोर्थ नंबर पर ऐसे शिक्षक जो 31 मार्च 2022 को 58 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उनको भी यहाँ पर वरीयता मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए बताया गया उक्त प्रक्रिया संपन्न करने की कार्रवाई निम्नवत रहेगी, तो पदस्थापन है तो जनपदवार या विद्यालयवार उपलब्ध रिक्त सीटों का विवरण पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा, महिला संवर्ग के अभ्यर्थी महिला वर्ग में तथा पुरुष संवर्ग के अभ्यर्थी पुरुष संवर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मानव संपदा पोर्टल पर P2 फॉर्म में अध्यापकों की विभागीय वरीयता कोटिक्रम विभाग में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक नाम कैडर वर्तमान पता जन्मतिथि सेवा पंजिका का विवरण आदि की जांच अध्यापकों के माध्यम से कराते हुए तीन बिंदुओं क्रमशः जो ऊपर बताए गए उनके अनुसार जो है गुणांक बनाया जाएगा और उसके अनुसार ही यहाँ पर जो है मेरिट सूची बनेगी, उसके अनुसार ही यहाँ पर कॉलेज आवंटन किए जाएंगे। और इसके बारे में बताया गया है कि इन सभी प्रविष्टियों को दिनांक 26 नवंबर 2022 तक अपने स्तर से मिलान करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर जो है अपलोड कराएं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा है उपयुक्त के अतिरिक्त जिला विद्यालय निरीक्षक संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से ये प्रमाण पत्र देंगे कि मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड जो भी चीजें हैं वो भलीभांति चेक कर ली गई, किसी प्रकार की त्रुटि अपेक्षित नहीं है। तो ये आदेश है, जो भी शिक्षक इसके अंतर्गत आते हैं तो आप लोगों की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ होगी। काफी दिनों से आप लोग जो है इसका इंतजार कर रहे थे तो फाइनली अब आपका जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के लिए आदेश जारी कर दिया कि बहुत जल्द आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो कराई जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ये जो मामला है शुरुआत में मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर मेंशन भी है कि जो पदोन्नति प्राप्त शिक्षक हैं उनके लिए, यानी जिनका एक तरीके से प्रमोशन हुआ है उनके लिए आदेश है।